मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिस निर्णय लिया कि जो रिवाइज्ड यूजीसी पे स्केल्स हैं, वैज्ञानिक हैं उनकी तर्ज पर, उनके एनालॉजी में जो है वो मंजूर किए गए हैं। इसी प्रकार से चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वहां के जो अध्यापक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको भी यूजीसी पे स्केल्स जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। सेवंथ फाइनेंस अपना पे कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन को जो है वो मंत्रिमंडल ने स्वीकार करके इनको ये स्केल्स दिए हैं। मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें पेंशन अनाउंस 5%, 10% और 15% अलग अलग कैटेगरीज का होता है, वो सभी पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर्स को, साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो हैं, जो स्टेट कैडर से संबंध रखते हैं, उनको जो है वो रिवाइज्ड ओरिजिनल पेंशन या ओरिजिनल जो फैमिली पेंशन है उसके हिसाब से जो है वो इनको दे दिया जाएगा, जिससे 86,200 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो है लाभान्वित होंगे, जो 65 साल और 80 साल के आयु वर्ग में है। राज्य मंत्रिमंडल ने जो है वो एक कैबिनेट सब कमेटी जो है वो बनाई थी, जो असेसमेंट और रिड्रेसल ऑफ वेरियस इश्यूज इन डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ ऑन आउटसोर्स बेसिस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो विभिन्न सेवा धारकों द्वारा आउटसोर्स बेसिस पर जो है वो एम्प्लॉय किए जाते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई थी। उस सब कमेटी ने अपनी जो है वो रिपोर्ट मंत्रिमंडल को प्रस्तुत कर दी है, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने का निर्देश मंत्रिमंडल ने दिया है रिकमेंडेशंस के हिसाब से, और इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की तर्ज पर एक निगम जो है वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज की डिप्लॉयमेंट के लिए जो है बनाया जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है उसको ही ये काम सौंपा जाएगा, और उसका नाम बदल करके हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम जो है वो रखा जाएगा, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है वो बदलाव किया जाएगा, जिसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जो है वो अप्रूव जो है वो कराने की आवश्यकता है, उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसकी डिटेल्ड पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी और आने वाले समय में जो है वो जो
ऑलरेडी आउटसोर्स इस पर लगे हुए हैं और जो नए भर्ती होंगे उन सबको जो है वो इसके द्वारा ही लिया जाएगा। और भर्ती के भी तरीके जो है वो उसमें जो है वो बताए गए हैं ताकि कोई बड़े ओपन विंडो से जो है वो रिक्रूटमेंट हो सके, किसी प्रकार की जो है वो बैकडोर एंट्री ना हो। ये पहला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है जो आउटसोर्स एम्प्लॉइज के लिए जो है वो सरकार ने लिया है, जिससे उनका जो भविष्य है वो भी संवरेगा और जो प्रेजेंट जो है वो उनके एमोलमेंट्स वगैरह जिसमें बहुत सारी कंपनियां जो है वो प्रॉपर एमोलमेंट्स इत्यादि नहीं देते थे वो भी समाप्त हो जाएगी। अब जो कुछ भी जो है वो डिप्लॉयमेंट होगी वो गवर्नमेंट निगम के द्वारा ही की जाएगी। डिटेल्ड पॉलिसी इसकी जो है वो वर्कआउट करने के लिए जो है वो विभाग को आदेशित कर दिया गया है। इसमें सभी जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज, स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्टैट्यूटरी एंटिटीज और इस प्रकार के अन्य जो सरकार के कंट्रोल में या ओन्ड हैं, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, वो सब जो है वो इसमें कवर होंगे। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो एक जो इलिजिबल खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसकी ऑलरेडी जो है वो गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उनको जो है वो सरकारी विभागों में भर्ती करने की प्रोसेस जो है और साथ ही साथ कोई नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज के द्वारा, उसको जो है टाइम बाउंड जो है वो कर दिया जाए। क्योंकि यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अगर 6 हफ्ते तक रिकमेंडेशंस नहीं भेजता या नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भेजता है तो प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी जाएगी और भर्ती कर दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने आज तहसील सेंज में जो है वो बंगा का पटवार सर्कल जो है वो उसको जो ये बंजार तहसील में है कुल्लू जिला में नया जो है वो क्रिएट किया है। जंझैली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक नई पुलिस पोस्ट जो है वो खोलने को भी जो है मंजूरी प्रदान की है और जिसके लिए 6 पद भी स्वीकृत किए हैं। मंत्रिमंडल ने जो जिला स्तर के जो है वो जुडिशियल एम्प्लॉइज है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो लोग हैं उनको 1 जनवरी 2016 से रिवाइज पे स्केल देने का जो है निर्णय लिया है। उसके लिए इनके जो हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एम्प्लॉइज के पे अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2005 है, जो है उनको संशोधित किया जाएगा। इससे 2300 कर्मचारियों को जो है वो लाभ प्राप्त होगा।
कसौली पुलिस स्टेशन का ग्राम पंचायत नाल का जो है इसे बरोटी वाला पुलिस स्टेशन में जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि स्मूथली काम हो सके, उसके नजदीक पड़ता है ये। मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि जो इंटरस्टेट जो है वो रूट्स हैं, जो बसेस कालका या परमाणु से ये जो है वो चलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और हिमाचल प्रदेश में कहीं भी जो है वो पहुंचती हैं, और इसके उलट भी वाइस वर्सा भी जो कालका को जाती हैं, वो जो 1 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो हरियाणा का, क्योंकि उसमें ये 50% कंसेशन लागू नहीं होती था, उसको भी जो है आज जो है वो इसको मंजूरी प्रदान की है, वो भी इनको जो है वो मिलेगा। इसी प्रकार से जो है वो संसारपुर टेरेस है, तलवाड़ा है और इसमें भी जो है कॉरिडोर बीच में जो है पंजाब का होता था, उसमें फिर मिलता नहीं था कंसेशन, वो भी किया कि उसको भी जो एनोमलीज जो थी उसको दूर किया है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम जो है वो उसे भी मंजूरी प्रदान की है। ये स्कीम अपग्रेडेशन 2014 जो है वो बनी हुई थी, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर, इनका जो टाइम पीरियड था उसे घटाया गया है। मतलब ये जल्दी जो है वो अब अपनी जो इस तरह की प्रमोशन है वो इनको डेजिग्नेशन जो है वो मिलेगा। मंत्रिमंडल ने फिर साइंस और कॉमर्स क्लासेस जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमरोह और कॉमर्स क्लासेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूखड़ ने जो है वो मंजूरी प्रदान की है, जिसमें पदों का विसृजन किया जाएगा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भंडार जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है उसे जो है वो अपग्रेड किया जाएगा हाई स्कूल में और पद भी भरे जाएंगे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यार जो शिमला जिला में है उसमें साइंस और कॉमर्स क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी, जिसमें पद भी सृजित किए जाएंगे। सोलन जिला के ममलीग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोलने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 16 अलग अलग कैटेगरी के पद भरे जाएंगे और 5 करोड़ रुपए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने को जो है इसे दिया जा रहा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स रतवाड़ी, दभोटा, रायपुरा और डौली में जो है वो कॉमर्स क्लासेस शुरू की जाएंगी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स नंद और भटिया में साइंस क्लासेस शुरू की जाएंगी। और इसके साथ साइंस और कॉमर्स क्लासेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स गोयला, पामेर, रेरू
और गुल्लरवाला जो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में है वहां पर जो है ये प्रारंभ की जाएंगी। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुझार दून कंस्टिट्यूंसी में है, उसे गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि किन्नौर में जो है वो रिकांगपियो में टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा देने के लिए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर का जो है वो पद सृजित किया जाए। इसके साथ साथ अन्य जो पद हैं वो भी वहां पर सृजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने 40 विभिन्न कैटेगरी के पद प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट में भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। फिर कैडर रिव्यू कमेटी ने एक रिकमेंडेशन की थी जिसमें एचएस की स्ट्रेंथ बढ़ाने को जो है वो उन्होंने अपनी संस्तुति की थी, उसे मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दिया है। और अब जो है एग्जिस्टिंग जो 228 की कैडर स्ट्रेंथ थी वो बढ़कर के 246 हो जाएगी, मतलब 18 पद एचएस के और नए सृजित किए गए हैं। और ये 50-50 आधे प्रमोशन पर होते हैं आधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होते हैं। मंत्रिमंडल ने 7 नए पटवार सर्कल जो है वो जो अभी एग्जिस्टिंग 11 पटवार सर्कल थे ये कमराऊ जो है सिरमौर जिला में तहसील अभी तक उसमें ये सृजित किए हैं। और इसमें जो है जितने पद चाहिए वो भी इसमें भरे जाएंगे। हेल्थ सब सेंटर गलियां कांगड़ा जिला में जो है इसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया जाएगा जिसमें पदवी सृजित किए जाएंगे। नया हेल्थ सब सेंटर जनो जो नीरी तहसील है मंडी जिला में वहां पर जो है खोला जाएगा। कांगड़ा जिला के तकेपुर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। बंजार तहसील के जो है वो देवरी में हेल्थ सब सेंटर है उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा। हेल्थ सब सेंटर भट्ठर बंजार तहसील में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा अलोंग विद पोस्ट। कांगड़ा जिला के ग्राम पंचायत रानीताल जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ओपनिंग को जो है वो पदों के साथ जो है वो मंजूरी प्रदान की है। चोरी बटवाड़ा जो बाली चौकी में है जिला में वहां पर हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा, पदवी सृजित किए जाएंगे। कोटला बंगी जो राजगढ़ में है सिरमौर जिला में
वहां पर जो है वो पीएससी खोली जाएगी पदों के साथ। ग्राम पंचायत गुडर जो चिचोट तहसील में है मंडी जिला के, वहां पर हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा। थुनाग तहसील के केवड़ी में हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा। सूरा विधानसभा के भट्टू में पीएचसी खोली जाएगी। मंडी जिला के जो है वो बगा चनोगी में पीएससी को सीएससी में अपग्रेड किया जाएगा। सीएससी वाली चौकी जो है मंडी जिला में उसको जो है वो 50 बेडेड हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। पदवी श्री जीत होंगे। ग्राम पंचायत गुमा में जो है वो पीएससी खोली जाएगी जो जोगिंदर नगर तहसील के मंडी जिला में है, मंडी जिला के जोगिंदर नगर तहसील में है। कांगड़ा जिला के रजनाड़ में जो है वो हेल्थ सब सेंटर अपग्रेड करके पीएससी बनाया जाएगा। धंधाली जो बाली चौकी में आता है तहसील में मंडी जिला के, वहां पर जो है वो हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा। कांगड़ा जिला के कंदवाड़ी में पीएचसी को अपग्रेड करके सीएचसी बनाया जाएगा। पालमपुर के होल्टा में हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गगो जो ऊना जिला में है, इसे गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा। बोथला कांधी और जैशला जो मंडी जिला में है, यहाँ नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। इसी प्रकार से बलारगा जो है वो कुल्लू जिला में, वहां पर नया प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। सिरमौर जिला के खोटोवाला में नया एलिमेंट्री एजुकेशन ब्लॉक ऑफिस खोला जाएगा। जो एग्जिस्टिंग जो है पोंटा साहेब सतौन और कफोटा को रैशनलाइज करके होगा। धनोट ग्राम पंचायत संगाड़ जो मंजिला जिला में है, सोमगाड़ नया प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केल्टी जो ठुंगरीगढ़ मंडी जिला में है, उसे सेंट्रल प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा। कुमारहट्टी मनाली में है, कुल्लू जिला में, यहां पर नई वेटरनरी डिस्पेंसरी खोली जाएगी। शिहाल विलेज है थुनाग एरिया में मंडी जिला के, वहां पर आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। चौगान बैजनाथ में है,
जो एग्जिस्टिंग पटवार सर्कल भीड़ से जो है वो निकाल करके नया पटवार सर्कल बनाया जाएगा। इसी प्रकार से चप्परहान जो चचोट तहसील में है, नया पटवार सर्कल जो है वो खोला जाएगा। परवाणु अर्बन में नया पटवार सर्कल जो है वो खोला जाएगा। और इसके साथ साथ परवाणु रूरल में भी जो है पटवार सर्कल खोला जाएगा। मंत्रिमंडल ने जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम को जो है वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बनाने के लिए जो सीजीएसटी डिवीजन है और सीजीएसटी रेंज है मंडी में, उन्हें जो है वो जमीन ट्रांसफर करने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें जो है वो दो करोड़ 17,89,414 रुपए में दी जाएगी। सोलन जिला के जोगों में पीएससी को सीएससी बनाया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने जो है वो मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से जो है ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो है वो बनाने को मंजूरी दी है, जो ज्वाइंट वेंचर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो है वो बनेगा। इसमें 51% इक्विटी शेयर्स जो है वो कैपिटल में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के होंगे और 49% जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के होंगे। पंजाई और शिलजोगी मंडी जिला में है, यहां पर जो है हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन सेंटर खोले जाएंगे, साथ में पदवी सृजित किए जाएंगे। तो मंत्रिमंडल ने जो है वो आज दो पावर प्रोजेक्ट्स उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जो है वो अलॉट किया है। ये हॉली 2 और दूसरा मेगावाट 126 मेगावाट का छत्रु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मंत्रिमंडल ने जो है वो शोगी का जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें टूरिज्म और ट्रेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो अभी तक 100,000 स्क्वायर मीटर जो है, जो 1,000 स्क्वायर मीटर की जो एक कंडीशन होती थी उसे रिलैक्स करके जो है वो 500 स्क्वायर मीटर किया है। मंडी जिला के बाली चौकी में एक ओक टसर सेरिकल्चर डिवीजन खोलने को मंजूरी प्रदान की है।
मंत्रिमंडल ने फिर मीरपुर जिला में भर्तियां को जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पनियाली जो है सिरमौर जिला में उसे हाई स्कूल में कन्वर्ट किया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भरवाड़ और चुंगाधार जो मंडी जिला में है उन्हें अपग्रेड किया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शोरा बयूंस साई खरसी और पीपल घाट बिलासपुर जिला में है इन्हें भी अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बडुखर कांगड़ा जिला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भूपर सिरमौर जिला में और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मनिहार कोशुधार खडियाण रामनगर रशकट और दोभी जो कुल्लू जिला में है इन्हें भी अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दवान सिरमौर जिला में इसके मिडिल स्कूल को में बनाने के लिए जो है मंजूरी प्रदान की है। इनके पदों का भी सृजन साथ साथ में मंजूर किया है। मंत्रिमंडल ने जो अभी तक हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड जो है वो स्कूल चलाता था जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ स्कूल खोलते हैं और उन्हें वही चला रहे थे उनको जो है इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट में टेक ओवर करने का निर्णय लिया है जिसके स्टाफ इत्यादि की सारी जो है वो जो भी उसके जो है वो रूल्स इत्यादि हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो अधिकृत किया है वो सारी इसकी जो है वो अप्रूव करेंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रामबी और शराई जो कुल्लू जिला में है और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल संध्यार बिलासपुर जिला में है इनको जो है वो अपग्रेड करने का मंजूर प्रदान की है। उसके साथ आज के इतने निर्णय जो है वो काफी हैं। सर एक सवाल लेंगे अलग से कैबिनेट से जी सर कांग्रेस के जो विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धमका रहे हैं दबाव डाल रहे हैं भाजपा में शामिल होने के लिए ईडी की धमकियां दी जा रही हैं। देखिए ये बौखलाहट है कांग्रेस इसलिए अब इस प्रकार के जो है वो अनर्गल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अब उनके एक वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो पहले छोड़ करके चले गए थे दूसरे उनके जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे वो आज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं विधायक उनके पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और ये कोई हिमाचल में ही नहीं है केरला में तो पूरी की पूरी पार्टी उनकी आ गई है 11 में से 8 विधायक भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं इसलिए ये जो बयानबाजी है ये सिर्फ जो है वो बौखलाहट का नतीजा है किसी को धमकाने की आवश्यकता ही नहीं है बिना धमकाए ही लोग अपने आप आ रहे हैं तो धमकाने की आवश्यकता कहाँ रहती है। अभी और भी है सर लोग संपर्क में कोई बताया जा रहा है पूर्व मंत्री है कोई कांग्रेस के देखिए डूब रहा जहाज है प्रलोभन जो है वो कांग्रेस के लोगों को प्रलोभन तो बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी 1951 से चल रही है और अपोजिशन में होती थी एक दो आदमी होते थे तब भी छोड़ करके नहीं जाते थे ना प्रलोभन जो है वो है तो वो उनकी कमजोरी है कहीं देते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में ना तो किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है ना किसी को जो है वो दबाव डाला जा रहा है
वो अपने आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए काम और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार का जो है वो प्रोबंध दबाव इत्यादि का जो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो अनर्गल बयानबाजी है। अगर वो कांग्रेस को जो है स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो अपने लोगों को जो है वो जरा सेफ तरीके से रखें और अपनी पार्टी को जरा अच्छी तरह से जो है चलने वाली पार्टी बनाएं। पिछले कल आदर्श सूद भी कह रहे थे कि मंत्री जी ने यहाँ पर डंगे लगाने का ही काम किया है शिमला में। अब वो भी बिल से निकल आए हैं अपनी पार्टी में वो टिकट के दावेदार हैं, इसलिए मेरे को उनको कुछ नहीं कहना है। ये शिमला की जनता जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।